आपने कभी सोचा है कि फिश या डॉग होना कैसा होता है? मुझे लोगों के क्लिप्स मिले हैं जो जानवरों पर गोप्रोस बांधते हैं ताकि उनकी लाइफ देख सके, बर्ड का पॉइंट ऑफ व्यू। ओह माय गॉश, उन्होंने बर्ड पर गोप्रो कैसे लगाया? वो गोप्रो का वेट कैसे संभाल रहा है? मेरे पास बहुत से सवाल हैं। ओह, आप पहाड़ पर उसका शैडो भी देख सकते हैं। ब्रो, एक बर्ड की लाइफ ऐसी होती है क्या? वो ऊपर से अपने शिकार को तलाश कर रहा है और शायद रहने के लिए जगह ढूंढ रहा है। बर्ड्स सिर्फ उड़ सकते हैं? काश हम भी उड़ पाते यार। हम सिर्फ बात कर सकते हैं लेकिन उड़ नहीं सकते। एवोल्यूशन की हिस्ट्री में ये अब तक की सबसे घटिया चीज है। ओ, एक और पंछी दिखा। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो उसे पसंद नहीं करता या फिर वो उसका दोस्त है? वो शायद पूछे ऊपर मौसम कैसा भाई। अरे नहीं, शायद उनके लिए रोज की बात। अरे हाँ, इस क्लिप में लायन पर गोप्रो लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, वो सीधा खा गया। लायन ने कहा होगा यहाँ से कैमरा तेरा भाई संभालेगा, सारे एंगल्स ले लूंगा। लायन सोच रहा होगा मैं भी यूट्यूबर बन जाता हूँ, लेकिन वाकई एंगल बुरा नहीं है। ओ माय गॉश, अरे देखो वो व्लॉग बना रहा है। व्लॉग बना रहा है, कह रहा है हे गाइस वेलकम बैक टू माय व्लॉग, आज हम पूरा जंगल घूमने निकलेंगे। ब्रो, कितने चांसेस हैं कि ऐसा हुआ होगा? लायन ने बकायदा कैमरा जमीन से उठाया, उसे तोड़ने की बजाय कुछ बढ़िया फुटेज कैप्चर किया। मैं इस लायन को खरीदना चाहता हूं। कितनी मजे की बात है ना कि नेशनल ज्योग्राफिक ऐसी डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए लाखों डॉलर खर्च करता है, जबकि एक लायन को सिर्फ कैमरा देने की देर है, काम हो गया। हाँ, ये बात तो है, ये वाकई में देखने लायक एक शानदार चीज है। यहाँ एक गोप्रो है, क्या चल रहा है? शार्क म्यूजिक है क्या? शार्क म्यूजिक है। वो शार्क कह रही थी हे कैसे हो मेरे दोस्त, शायद ये दोनों घबरा गई होंगी। तुमने देखा वो शार्क कैसे पलक झपकते ही गायब हो गई? अभी सामने से शार्क नजर आ रही है और अब गायब। कभी सोचा शार्क कैसे मूव करती है? इस तरह। सच में उनकी टेल पानी में फ्लैप की तरह काम करती है और उन्हें आगे धकेलती है। फड़फड़ाने से याद आया, क्यों है ना बढ़िया। नेक्स्ट क्लिप। ओह व्लॉग स्टाइल, वो बोल रहा है कि हे गाइस मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि आज मेरे शेड्यूल में स्ट्रॉबेरीज के अलावा और क्या क्या है। ओके, कैमरा मंकी ने ले लिया है यार, उसका हाथ तो हमारे हाथ जैसा ही लगा। हाँ तो और कैसा लगेगा। ओ स्नैप। हाँ वो बोल रहा है हे गाइस मैं मुंबई आया था फिजू भाई को मिलने, वो तो मिले नहीं। उसने कैमरा ओपन कर दिया। ओए ओए मंकी, नहीं 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 नहीं। ओके, ये नेक्स्ट क्लिप, एक बंदे ने कैमरा ड्रॉप किया। गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है और बूम। और अब आएगा बेस्ट पार्ट, जरा देखो। हॉग बोल रहा है अरे तुम क्या बला हो। तुमने कितने प्यार से उसे कहा हॉग। हॉग राइडर, हॉग राइडर। ओके, सो बेसिकली बेसबॉल में हिट करने के बाद बैट ड्रॉप करना होता है। सबसे खराब बात यह है कि बैट किसी और को उठाना होता है। बिल्कुल, वो डॉग यूज करते हैं। तुम्हें पता है वो कौन सा डॉग है जिमी? कौन सा? लैब्राडोर रिट्रीवर। हाँ, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि अरे क्या वो बैट टूट गया है? ओह माय गॉश, बैट टूटा हुआ है। ओह माय गॉश, ओह माय गॉड, वो अच्छी ट्रेनिंग मिली। जबरदस्त है यार। मैं बेसबॉल देखता अगर दोनों टीम्स में डॉग्स होते, क्योंकि बल्ला घुमाने के बाद डॉग्स में रेस लगती, कौन उसे पहले जमीन से उठाएगा। मैं बेसबॉल देखता अगर सारे खिलाड़ी डॉग्स होते और फिर वो सिर्फ डॉग्स का बेसबॉल मैच होता। एपिक कार राइड। ओह, गोप्रो ऑन अ हॉट व्हील। मुझे याद है जब मैं छोटा था तो मेरे पास हॉट व्हील का एक कलेक्शन था, मजा आता था। प्लीज हॉट व्हील्स कभी हमें भी याद कर लो, वी लव यू। कैनन से गोप्रो लॉन्च करना, ये वाकई ज्यादा ही है। 3, 2, 1। बस लाइटियर का पीओवी। ओह माय गॉड, वाह क्या नजारा। ओह माय गॉश, काफी तेजी से आ रहा है। उसने कैच किया? नहीं यार, ये जमीन में धस गया। उसने मिस कर दिया उसने। इससे मुझे एक वीडियो की याद आ रही है जो आप लोगों ने नहीं देखा है, जहां हमने एक गोप्रो से किसी को हिट किया था और वो बच गया। एक ट्रेन। जिमी, ये देखो, हमने गोप्रो को ट्रेन से टक्कर मारी। जिमी, एक प्लेन क्रैश के दौरान स्काई डाइविंग। वैसे स्काई डाइविंग के लिए ये सही टाइम है। क्या ये किसी मूवी के लिए है? ये चल क्या रहा है? बोल, क्या कोई मरा नहीं? कोई नहीं मरा और ये सच। कोई नहीं मरा। ओके ओके, क्या सबके पास पैराशूट था? उन्होंने पहले से ही प्लान किया हुआ था क्या? वाओ, जमीन पर उतरने के बाद सब ऊपर देखेंगे। ओके ठीक है, हम तो बच गए यार, किसी को कुछ नहीं हुआ। चलो अब इस वीडियो को इंटरनेट पर वायरल कर देते हैं। ये पागलपन, डॉल्फिन्स के साथ स्विमिंग, ये तो मैंने किया हुआ है, ये तो मेरे एप्पल टीवी के वॉलपेपर जैसा लग रहा है। अगर आप ऐसा कर रहे होते तो आप स्ट्रेस्ड होते या रिलैक्स्ड? मैं नहीं बता सकता, क्योंकि किसी भी समय ये डॉल्फिन्स मस्ती के मूड में आ जाए और न जाने कब तक रहे। हां, वो आपको पकड़कर बॉटम तक ले जाए और शायद छोड़े भी ना, सिर्फ मस्ती के लिए। हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, वो मस्ती में ऐसा करती हैं। मैं उनके साथ कभी स्विम नहीं करूंगा। Anyways, माउंट एवरेस्ट। आखिर कोई ऐसा क्यों करेगा यार? वैसे मैंने जितना सोचा था माउंट एवरेस्ट उतना ऊंचा नहीं लगा। हाँ, इसकी हाइट थोड़ी सी कम लग रही है तुम्हारी तरह। वैसे नजारा बहुत ही सुंदर लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि स्पेस में। हाँ, हम अभी स्पेस में होते तो तैर रहे। सच कहूँ तो मेरी वाकई स्पेस देखने की तमन्ना है। चलो देखे ये फिश आखिर क्या फुटेज कैप्चर करती है। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, जिमी उसका फेस देखो। बेटी के बाप छोड़ दे, मुझे सांस नहीं आ रहा। उसे वापस पानी में डाल दो।
वो बोलेगी यो गाइस मैं भी अभी जन्नत की सैर करके आई हूँ गाइस गाइस। तो आज हमने क्या सीखा, एनिमल्स इंसानों से भी अच्छे कैमरामैन होते हैं। मुझे ये करना यार क्यों? क्योंकि ये बहुत मजेदार लगता है। अरे ये इस पेपर में क्या लिखा है? उसमें सारे टर्न्स जंप्स और बाकी चीजें हैं जो ड्राइवर के लिए जरूरी है लिखी हुई। आप इतना फास्ट जा रहे हैं तो आपके साथ कोई होना चाहिए जो आपको वार्न करे कि इतना तेज मत चलाओ, ऐसा मत करो। उन्होंने रास्ते में चीजें डाली हुई हैं, सभी तरह के ऑब्स्टिकल्स हैं, डिफरेंट टर्न्स हैं, क्योंकि ये यूरोप है और यहाँ के गाँव में ऐसे ही इलाके होते हैं जिन्हें वो बंद कर देते हैं। तो आपको चप्पा चप्पा पता होना चाहिए वरना आप कभी भी एक क्लिफ से उड़ सकते हैं और सीधे नीचे गिर सकते हैं। क्रेजी। WRC मुझे इनवाइट करना चाहते तो प्लीज करो, मैं शौक से आ जाऊंगा। POV आप एक डॉग हैं। ओह माय गॉड, मुझे जाने दो, उसे जाने दो। वो कमाल की जंप थी यार। ये डॉगी एक्साइटेड है। क्या लगता है उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा? मुझे नहीं पता। वो किसी स्पेशल जगह पर जा रहा है या सिर्फ दौड़ो 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 मुड़ो दौड़ो दौड़ो। लग रहा है वो कहीं तो पानी की तरफ, पक्का पानी की तरफ जा रहा है। वो कह रहा है मुझे पानी नजर आ रहा है, पानी, पता नहीं मैं कहां जा रहा हूं, बस पानी चाहिए। ओके, मतलब अपना डॉग एक मिशन पर था। वाह, मेरा तो दिल पिघल गया यार। चलो अब एक कैट क्लिप देखते हैं। मेरे ख्याल से एक बड़ी सी आलस भरी कैट क्लिप होगी। ये तो सोचा नहीं। तो उन्होंने एक कैट पर GoPro लगाया। उन्होंने असासिन्स कैट क्रीड जैसा कुछ किया है। अरे इन कैट्स को तो देखो, कैट गैंग है। म्याओं की आवाज इसलिए निकालती है ताकि वो बेबी नॉइसेस को मिमिक कर सके और इंसानों को अट्रैक्ट कर सके। फिर ऐसा होता है कि इंसानो मुझे खाना दो, मैं एक बेबी हूँ। GoPro 1000 फुट नीचे, चलो शुरू करते हैं। इतना गहरा गड्ढा किसने खोदा? ऑयल के लिए तो नहीं, ये कुएं के लिए है। हमने अफ्रीका में जब कुएं खोदे तो मकसद पानी खोजना था, यहाँ तो कुछ और दिख रहा है। हमने ऐसा मेरे डैड के फार्म पर बहुत पहले किया था। हम बस ड्रिल करते रहे जब तक नेचुरल वाटर का सोर्स नहीं मिला। मतलब वाटर जब ग्राउंड से सीप होता है तो वहाँ जमा होता है। क्रेजी हैमरहेड, ओ माय गॉड। वो छोटी फिश देखो जो सवारी कर रही है, बोल रही है बड़ी तुम पर कैमरा लगा हुआ है। ओह माय गॉश, उसे नहीं पता कि हम भी सैर कर रहे हैं। क्या? ओह, उसने अपने सर पर कैमरा माउंट किया हुआ है। ये तो कमाल का था। माउंटेन पर पैराग्लाइडिंग। ओह, पैराग्लाइडिंग डेंजरस है यार। ये तो बिल्कुल फार क्राई जैसा है। ये तो वीडियो गेम में भी किया जा सकता है, रियल लाइफ में करने की क्या जरूरत है? वो पेड़ों के इतने पास क्यों आ रहा है? उसकी मर्जी जिमी। कोई रोको उसे। पेलिकन का POV। ओह माय गॉड, POV, मैं एक पेलिकन स्नैक हूं। ओह माय गॉड, उन्होंने ये कैसे किया? ये पक्का जॉर्ज हो सकता है। जब हम होटल वीडियो शूट कर रहे थे हमें एक पेलिकन मिला था, नाम था जॉर्ज। हाँ, बहुत मजा आया था। रॉकेट से बंधा एक POV। उस दिन YouTube पर देखा था, एक बंदे ने खुद का रॉकेट बनाया और स्पेस में छोड़ा गया उसको। क्या लीगल है? ये कमाल है यार। चलो रॉकेट रूम में चलते हैं। लेकिन लोग इस तरह अपने बैकयार्ड से ऑर्बिट में रॉकेट छोड़ते रहेंगे तो हो गया। ओ, टायर के अंदर। मैं टायर में हूँ। ओ, टायर के अंदर का POV, मतलब सच में अंदर। ओ, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। ओ, ये तो कूल था यार। ओ नो, हम मरने वाले हैं। क्रेजी, अच्छा था यार ये। किसका दिमाग लगा इसमें? अरे मेरा, डिशवॉशर का POV, ये लास्ट है। जब मैं जिमी के साथ रहता था तो मैं डिशवॉशर था क्योंकि ये कुछ नहीं करता था। मैं सच कह रहा हूँ जिमी, क्योंकि मुझे खाना पकाना नहीं आता, मैं सिर्फ ऑर्डर करता था। हाँ, सच में। ओ, अब मैं घूम रहा हूँ, बस घूम रहा हूँ। आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय।